रात को भगवान श्री राम जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार हो चुका है, इनका अहंकार भगवान राम छोड़ेंगे नहीं। जिन निस्वार्थ लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है ये गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ और इंडिया गठबंधन 500 से सीटें कम नहीं आ रही है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और इस अवतार के पीछे का कारण क्या है? मेरा नाम जवाहरलाल है, हरियाणा प्रदेश का रहने वाला हूँ। जवाहरलाल मेरा जिला गुड़गांव पड़ता है, सोना का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, और ये जो आपकी पोस्टर पे लिखा है कि प्रभु श्री राम का संदेश, इंडिया गठबंधन लोकसभा 500 पार जीतेगा, वहाँ पे वो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, आप 500 पार? ऐसा है बहन जी, कल क्या हुआ, रात को भगवान श्री राम जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा ये आप जो मेरे दूत के रूप में जाएं और इंडिया गठबंधन को मेरा संदेश सुनाए। उन्होंने तो मेरे से कहा इंडिया गठबंधन 300 पार जा रहा है। मैंने जिस भाई को ये होर्डिंग के लिए बोला, उन्होंने कहा, जब मेरे को होर्डिंग दे के गए, मैंने कहा भैया आपने तो 500 पार लिख दिया, वो बोला जी मेरे को भी रामचंद्र जी सपने में आ गए। उन्होंने कहा 500 से सीटें कम नहीं आ रही हैं। अब उन्होंने जो मेरे को होर्डिंग बना के दिया, देखो मेरा नारा तो 300 प्लस पार है, मैं तो उनके दूत के रूप में या गठबंधन को ये सुनाने आया हूँ और ये निर्धारित हो चुका है, इसको कोई मेट नहीं सकता। आप किसी दल से हैं या किस? मेरा कोई दल नहीं है, मेरा भारत देश है, युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को काम मिले, मेरा दल ये है। आज निस्वार्थ लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, केजरीवाल जी जैसे अच्छे लोग जो शहीद भगत सिंह के रूप में दोबारा पैदा होकर आए हैं, राहुल गांधी जी जो श्रवण कुमार के रूप में दोबारा पैदा होकर आए हैं, आज उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, आज उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, ये गठबंधन बर्दाश्त नहीं करेगा, युवा पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, शहीद भगत सिंह को हम शहीद नहीं होने देंगे। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही थी जो विपक्षी दल है वो सनातन विरोधी हैं, और आज आप विपक्षी दलों की इतने बड़े रैली में आए हैं और उसमें इस अवतार में आए हैं। देखो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो ये चाहते हैं केजरीवाल जी राहुल जी अयोध्या मेरे साथ फोटो खिंचवाए, उनको फोटो खिंचवाने का शौक है। अरे राम कण कण में है, राम को कोई ला सका है क्या? वो कहते हैं ना, जब अहंकार के आदमी बसीभूत हो जाता है, रोए मान घटे बंदे का, दुख चिंता में काया, अनीति से राज चला जा, झगड़े में धन माया। आज भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार हो चुका है, इनका अहंकार भगवान राम छोड़ेंगे नहीं। भगवान राम तो स्वयं श्री राम है, कहते हैं रघुराई को कोई कष्ट क्या पहुंचाएगा, कष्ट भी सामने आ गया तो पादर्शन राम के सुख का स्वरूप बन जाएगा। आप में राम है, अयोध्या जाने की हमें जरूरत क्या है, इस मिट्टी में राम है, इन अंकल में राम है, कण कण में राम है। आज जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, आज उसी रामलीला मैदान में सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं। नहीं देखो, आज शरद पवार जी के भतीजे अजीत जी हैं, उन पे बीजेपी एलिगेशन लगाती थी, आज वो बीजेपी में मिल गए तो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। केजरीवाल जी नेक पुण्य आत्मा है, किसी पे अच्छी बात नहीं है, आज मेरी आत्मा दुख पा रही है। तो आप हरियाणा में किसी दल वल से किसी से समर्थित नहीं है या पहले कभी? भारत देश मेरा दल है, पहले कभी कोई चुनाव लड़े? सबके साथ हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ, मैं सब दल के साथ हूँ। भारत देश में युवाओं को रोजगार मिले, अच्छे लोग आए, भारत देश की सत्ता को संभाले। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी रैली है, चुनावी रंग है, अलग अलग दल के अलग अलग समर्थक हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए दिल्लन टॉप देखते रहिए। मैं थी सुप्रिया, कैमरे के पीछे मेरे साथी थे आलिश। शुक्रिया।